Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. अब हम study करने जा रहे हैं class 8 maths exercise 10.1 question 1. For each of the given solid, the two view are given. Match for each solid the corresponding top and front view. The first is one done for you. Student, यहाँ आपको ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और ये साइड व्यू दिए हैं और ये टॉप व्यू दिए हैं. आपने इनको मैच करना है और वन आपके लिए सॉल्व करके आपको दिया हुआ है. जैसे ये बोतल है, आप इसको रोटेट करके देखें तो साइड व्यू उसका सेम ऐसा ही होगा. इसके बाद में उसका टॉप व्यू देखें तो टॉप में या इस तरह से ओनली लेड दिखाई देगा. नंबर सेकंड में ये आपको वेट दिया है, आप हाथ में वेट इस तरह का आपके घर पर हो सकता है, आप उसे लेकर के साइड व्यू देखेंगे तो देखो आपको ये वाली साइड दिखाई देंगी ना. आप साइड व्यू देखेंगे तो आपको ये वाली साइड दिखाई देंगी साइड व्यू में, और ये वाली साइड मैच होती है इससे. तो आपका मैचिंग ये वेट का इस वाले से होगा. इसके बाद आप इसे टॉप से देखेंगे तो देखो टॉप में आपको ये वाली चीज ही दिखाई देगी ना, तो इसका मैचिंग हो गया इससे. दैट्स ओके. अब देखो यह फ्लास्क है, आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो देखो यही दिखाई देगा साइड से देखोगे तो. इनको मैचिंग कर ले. और जब आप इसे टॉप से देखेंगे तो आपको ये वाला दिखाई देना चाहिए, ये जो पट्टी है ना हैंडल्स, ये वाला पार्ट ये रहा और ये ऊपर से यह दिखाई देगा. दैट्स ओके. अब यह कप एंड सॉसर्स की बात है. देखो आप इसे साइड से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, तो इनको मैच कर ले. और आप इसे टॉप से देखेंगे तो आपको ये वाला दिखाई देना चाहिए. देखो ये टॉप पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, तो देखो ये रहा. और कप में अंदर ये जो होता है ना, यह राउंड जो होता है वो ये रहा, इसे पकड़ने का जो हैंडल होता है वो ये रहा. ओके, तो अब इसका मैच इससे कर दिया. अब क्या है आपके पास में, यह कंटेनर है, इसे आप साइड से देखेंगे तो आपको ये वन साइड दिखाई देगी ना, वो वन साइड ये है, तो इनको मैच कर दिया. और टॉप से देखेंगे तो देखो आपको एक तो ये राउंड दिखाई देगा और उसके साइड में ये वाला पार्ट दिखाई देगा रेक्टेंगल के जैसा, तो इसका मैच हो गया इससे. देखो ये तो वह लेड वाला पार्ट हो गया और ये कंटेनर का जो रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा. ओके, अब यह क्वेश्चन वन कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड करते हैं. क्वेश्चन टू, For each of the given solid, the three view are given. Identify for each solid the corresponding top, front and side view. Students, यहाँ आपको ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उनके ये कुछ व्यू दिए गए हैं. आपने इनको बताना है कि इनमें से टॉप व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू कौन सा है और साइड व्यू कौन सा है. देखो स्टूडेंट, फर्स्ट आप यह अलमीरा देख रहे हैं, तो जब आप उसे फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से आपको यह दिखाई देगा, तो यहाँ नोट कर दें फ्रंट. साइड ये है, साइड से आपको यह दिखाई देगा जो इससे मैच करता है, मींस साइड से आपको ऐसा दिखाई देगा, तो यहाँ नोट कर दें साइड. और जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको ये वाला सीन दिखाई देगा, मींस ये वाला सीन दिखाई देगा, तो यहां नोट कर दें टॉप. ओके, आपको ठीक से समझ आ रहा होगा. अब आगे ये आपको मैच बॉक्स दिया गया है. देखो स्टूडेंट, ये आपको साइड दिखाई दे रहा है और यह मैच हो रहा है इससे, तो आप यहां पर साइड नोट कर दें, ये साइड हो गया. और देखो यह वाला पार्ट आपको फ्रंट गिवन है, ये पोर्शन, और यह मैच हो रहा है इससे, तो आप यहां पर
सेंट नोट कर दें। आप देखो टॉप ये वाला शो किया गया है, ये वाला पार्ट टॉप है, टॉप से दिखाई दे रहा है, जो फेस बना हुआ है यह मैच हो रहा है इससे, तो आप यहाँ पर टॉप नोट कर दें, ये टॉप हो गया। अब ये आपको टेलीविजन दिया गया है, ये वाला फ्रंट व्यू है जो कि इससे मैच हो रहा है, तो आप यहाँ पर फ्रंट नोट कर दें, ये फ्रंट हो गया। और देखो ये वाला इधर मिस ऐसा ही होगा, ये वाला साइड व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया जो इससे मैच कर रहा है, तो आप यहाँ पर साइड नोट कर दें। जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ पर टॉप नोट कर दें। अब आपको यह कार्ड दी गई है, देखो आप फ्रंट से देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू है, जो दो लाइट होती हैं यह इससे मैच हो रहा है, यह फ्रंट व्यू हो गया, इसीलिए यहाँ पर फ्रंट नोट कर दें। और जब आप साइड से देखेंगे तो यह दिखाई देगा, जो इससे मैच हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर साइड नोट कर दें। और जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा, जो कि इससे मैच हो रहा है। आप अपने बालकनी से कोई गाड़ी देखें तो आपको ऐसी ही दिखाई देगी ना, तो आप यहाँ पर टॉप नोट कर दें। स्टूडेंट इस तरह से यह क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3, फॉर ईच गिवन सॉलिड आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। स्टूडेंट्स आपको यहाँ कुछ यह सॉलिड दिए गए हैं, आपने इनके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू आइडेंटिफाई करने हैं। देखो फर्स्ट आपको यह सॉलिड दिया गया है, आप इसे टॉप से देखेंगे तो देखो आपको 2 स्क्वायर तो ये दिखाई देंगे और 1 ये दिखाई देगा। देखो ये वाले 2 तो ये हो गए और इनके ऊपर ये है ना, वो ये हो गया। इस तरह से यह वाला पार्ट हो गया इसका टॉप व्यू, आप यहाँ पर नोट कर दें टॉप व्यू। अब देखो हम यहाँ फ्रंट से देखते हैं तो ये 2 बॉक्स दिखाई देते हैं जो कि इनसे मैच करते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर रिटर्न कर दें फ्रंट व्यू। अब इसे साइड से देखते हैं तो आपको ये 2 बॉक्स दिखाई देंगे जो कि इनसे मैच हो रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर रिटर्न कर दें साइड व्यू। अब यह पार्ट बी की बात करते हैं, देखो इसे हम टॉप से देखेंगे तो ये 1, 2, 3 बॉक्स दिखाई देंगे और 1 बॉक्स इसके साइड में दिखाई देगा जो कि मैच हो रहा है ये थर्ड वाले से। देखो ये 1, 2, 3 और उसके साइड में 1 बॉक्स ये हो गया, तो इस तरह से यह वाला पार्ट हो गया टॉप व्यू, आप यहाँ पर रिटर्न कर दें टॉप व्यू। अब देखो इसे फ्रंट से देखेंगे तो ये 1 बॉक्स दिखाई देगा, 1 ये दिखाई देगा और 1 ये दिखाई देगा, यह वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा, क्यों कि आप फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं तो फ्रंट में एक ये दिखाई देगा जो कि इसे कवर कर लेगा, सेकंड यह दिखाई देगा, थर्ड ये दिखाई देगा जो मैच हो रहा है इससे सेकंड वाले से, तो आप यहाँ रिटर्न कर दें फ्रंट व्यू। इसके बाद आप साइड से देखेंगे, मान लो आप इस साइड से देखते हैं तो 1 तो इसके लिए दिखाई देगा, इसके लिए 1 इसके लिए दिखाई देगा, और आप इधर से देखते हैं तो 1 तो यह दिखाई देगा और 1 यह दिखाई देगा और 1 यह दिखाई देगा, इस तरह से यहाँ पर 2 बॉक्स दिखाई देंगे जो कि मैच हो रहा है इससे, इसीलिए यहाँ नोट कर दें साइड व्यू। दैट्स ओके। अब हम यह पार्ट सी की बात करते हैं, देखो इसे हम टॉप से देखेंगे तो 1 बॉक्स तो यह दिखाई देगा और 1 बॉक्स यह दिखाई देगा, इस तरह से 2 बॉक्स दिखाई देंगे जो मैच होगा इससे 2 बॉक्स। दैट्स ओके, इसीलिए यहां नोट कर दें टॉप व्यू। अब इसे साइड से देखते हैं तो देखो साइड से देखने पर मान लो आप इस साइड से देख रहे हैं तो 1 बॉक्स तो यह दिखाई देगा, सेकंड यह और थर्ड यह, और आप इस साइड से देखेंगे तो आपको 1 बॉक्स तो ये दिखाई देगा, यह वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा, और सेकंड यह दिखाई देगा और थर्ड यह दिखाई देगा,
जो मैच होगा इससे, इसीलिए आप यहाँ पर रिटर्न कर दें साइड व्यू। अब आप इसे फ्रंट से देखें तो देखो 1, 2, 3 बॉक्स तो आपको ये दिखाई देंगे और उसके साइड में 1 यह दिखाई देगा। जो मैच होगा इससे, ये 3 तो ये वाले हो गए और ये वाला हो गया, इसीलिए यहाँ रिटर्न कर दें फ्रंट व्यू, दैट्स ओके। अब पार्ट डी की बात करते हैं। देखो आप साइड से देखेंगे तो आपको ये 2 बॉक्स दिखाई देंगे, 1 तो ये और सेकंड ये, जो मैच होता है इससे, इसीलिए आप यहाँ पर साइड व्यू रिटर्न कर दें। अब आप इसे फ्रंट से देखें तो देखो 1, 2, 3 बॉक्स तो आपको ये दिखाई देंगे और उनके ऊपर 1 बॉक्स यह दिखाई देगा, जो मैच हो रहा है इससे, 3 ये हो गए उनके अब 1 ये हो गया, इसीलिए आप यहाँ रिटर्न कर दें फ्रंट व्यू। अब आप इसे टॉप से देखें तो देखो 1 बॉक्स तो आपको ये दिखाई देगा, सेकंड ये दिखाई देगा और थर्ड यह दिखाई देगा, जो मैच हो रहा है इनसे 3 बॉक्स, इसीलिए आप यहाँ पर टॉप व्यू रिटर्न कर दें। अब बात करते हैं पार्ट ई की। आप इसे फ्रंट से देखें तो देखो 1 तो आपको यह दिखाई देगा, सेकंड यह दिखाई देगा और थर्ड इसके ऊपर दिखाई देगा, जो मैच हो रहा है इससे, इसीलिए आप यहाँ पर फ्रंट व्यू रिटर्न कर दें। अब आप इसे टॉप से देखें, देखो आपको 1 यह दिखाई देगा, उसके बराबर में ये दिखाई देगा और साइड में यह दिखाई देगा। देखो ये 2 हैं, वो तो ये हो गए, उसके साइड में ये हो गया, ये वाला, इस तरह से ये हो गया टॉप व्यू। आप यहाँ पर टॉप व्यू नोट कर दें। अब आप इसे साइड से देखें तो देखो 2 तो आपको ये दिखाई देंगे अप डाउन, जो इससे मैच हो रहा है, और 1 यह दिखाई देगा जो इससे मैच हो रहा है, इस तरह से ये वाला हो गया साइड व्यू। आप यहाँ पर साइड व्यू नोट कर दें, दैट्स ओके। क्वेश्चन 4, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट आपको यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपने इन ऑब्जेक्ट्स के फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करने हैं। सॉल्व करते हैं। देखो पार्ट ए में आपको यह एक मिलिट्री टेंट दिया गया है, जब आप इसे टॉप से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये देखो यह इस तरह का व्यू नजर आएगा, जैसे ये वाला है इस तरह से, और जब आप इसे साइड से ऑब्जर्व करेंगे, साइड से इसका व्यू देखेंगे तो आपको देखो यह ये इस तरह से नजर आएगा, जैसे ये वाला है, और जब आप इसे फ्रंट से ऑब्जर्व करेंगे, फ्रंट से देखेंगे तो देखो आपको यह नजर आएगा, दैट्स ओके। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में आपको यह एक टेबल दी गई है, जब आप इसे फ्रंट से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखो यह इस तरह से नजर आएगा, और जब आप इसे साइड से ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यह आपको इस तरह से नजर आएगा, ऐसे, और जब आप इसे टॉप से ऑब्जर्व करेंगे तो यह आपको इस तरह से नजर आएगा, ये रेक्टेंगल जैसा, दैट्स ओके। नाउ पार्ट सी, यहाँ आपको यह नट दिया गया है, और जब आप इसे फ्रंट से ऑब्जर्व करेंगे तो यह आपको देखो यह इस तरह से ऐसा नजर आएगा, और जब साइड से देखेंगे देखो तब भी यह ऐसा ही नजर आएंगे, और जब आप इसे टॉप से ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यह आपको ऐसा नजर आएगा, इस तरह का, दैट्स ओके। नाउ पार्ट डी, अ हेक्सागोनल ब्लॉक। स्टूडेंट यहाँ आपको यह एक हेक्सागोनल ब्लॉक दिया गया है, जब आप इसे फ्रंट से ऑब्जर्व करेंगे तो यह आपको इस तरह का नजर आएगा, जैसे यह एक हेक्सागोन है। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाए जिसे सनातन कथा। और जब आप साइड से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यह नजर आएगा ऐसा, और जब आप टॉप से ऑब्जर्व करेंगे तो फिर आपको यह ऐसा नजर आएगा, इस तरह का, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट है ये पार्ट ई।
जिसमें आपको यह डाइस दिया गया है। देखो जब आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो आपको देखो यह वाला ये इस तरह का दिखाई दे रहा है, और जब आप इसे साइड से देखेंगे तो देखो आपको यह ये वाला दिखाई दे रहा है इस तरह का, और जब आप इसे टॉप से देखेंगे तो देखो आपको यह वाला नजर आ रहा है। दैट्स ओके। नाउ पार्ट एफ अ सॉलिड। स्टूडेंट अब आपको यह पार्ट एफ में यह सॉलिड ऑब्जर्व करना है। देखो जब आप इसे फ्रंट से ऑब्जर्व करेंगे तो यह आपको यह ऐसा इस तरह का ये नजर आएगा। देखो ये वाला पार्ट और यह वाला पार्ट, ओके। और जब आप इसे साइड से ऑब्जर्व करेंगे तो देखो आपको यह इस तरह का नजर आएगा, यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट इस तरह से। दैट्स ओके। आई थिंक आपको ठीक से समझ आ गया होगा।